नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। बता दें कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं ओली ने इसके ठीक बाद अपने मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को जगह देने का ऐलान किया। इनमें ओली का समर्थन करने वाले 4 दलों के नेताओं को जगह दी गई है। वहीं इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ओली को बधाइयां दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने लिखा, दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे बंधन को और भी मजबूत करने के लिए साथ में काम करने के लिए उत्सुक, वहीं जिससे दोनों देशों का परस्पर सहयोग और अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाया जा सके। बता दें कि शुक्रवार को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया था, जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN-UML के अध्यक्ष ओली को नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वहीं ओली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से चौथी बार प्रधानमंत्री